Okay, so, uh, guys, this is, uh, Prushan, and आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में में बात करने वाले about the mistakes, a lot of mistakes, but उन सब में से एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो टीम गॉड लाइक -like, चाहे एन टी टी चाहे गॉड लाइक चाहे ओ -like, हमेशा से करते आई है और इस मिस्टेक के ऊपर हम लोग एक तरीके से प्रकाश डालने वाले हैं जो यू नो काफी खराब रहता है इस टीम के लिए कल स्काई स्पोर्ट्स के मैचेस हो रहे थे वो मैं देख रहा था और उसके अंदर मैंने देखा कि इस टीम की ये मिस्टेक दो साल से दो क्या तीन साल जितना मर्जी समय लगा लो तब से ये मिस्टेक कंसिस्टेंटली चल रही है एंड इफ दिस मिस्टेक दिसक नॉट गेट रेक्टिफाइड वेल द टीम देखिए आपके पास गन पावर हो सकती है बहुत अच्छी गन पावर हो सकती है मैं मानता हूं लेकिन सिर्फ गन पावर ही आपको सब कुछ नहीं दिलाती ना हाँ इस गेम के अंदर आपको बंदे मारने दैट्स अ सर्वाइवल गेम बट सर्वाइवल गेम के अंदर और भी इंसिंग आते हैं उसमें सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट है रश आप रश कैसे करते हो कितने अच्छे तरीके से रश करते हो किस तरीके से आप रश कर करके आगे जाते हो रियली सॉरी फॉर दॉयस अभी एक्चुअली एक सौ तीन बुखार हो रखा बट यू नो या सो शुरू करने से पहले आप लोग तो लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को मेरे सोशल आप लोगों को मिल जाएंगे ऑन द स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन भी वहां पर आकर के फॉलो कर सकते हो बट आपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर अपने विचार जरूर बताना क्योंकि ये आज से एक साल पुरानी वीडियो है जो मैं ढूंढ पाया इसके पहले का भी एक रश्ता जो ब्लू बीस का था विकेंडी बट विकंडी इज नॉट इन द कंसिडरेशन तो मैं विकंडी का उठा ही नहीं रहा हूँ आपको याद होगा ब्लू बीस के ऊपर टी एस एम एन टी बचे थे, वो भी भाग रहे थे उनको भी पिक किया गया था द्लेयर्स आगे यहाँ पर रश करेंगे दिस इज अ गेम दो जहां पर जॉनसन ने सोलो चिकन निकाला था ये वो गेम है बट उससे पहले एफ एस के प्लेयर्स है यहाँ पर और आप देख सकते हो रश को किस कितने कारगर तरीके से रोका गया है हर कोई गाड़ियों में बैठ चुका है डेफिनेटली आईजीएल का कॉल है चलो 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 चलने को तैयार है जॉनथन को पीछे छोड़ा गया जो कवर देंगे या जो भी रुके हैं उनको खुद भी गोलियां पड़ रही थी ट्रांस फिनिश हो जाएगा बट यहां पर आप देखो <coughs> ये सीधा आगे पहले देखो इससे पहले कि सब पाते या रुकते एक एक की पेटी बन चुकी है यहां पर तुम लोग देखोगे एक प्लेयर उतर चुका है क्लच गोड को उतारा जा चुका है बाबा के द्वारा बाकी प्लस साइड से तो ये ऑलरेडी देखो एक थ्री मैन रश था थ्री मैन रश ओवर अ थ्री मैन रश और इसमें भी

ये एक चीज़ है लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं जीसी की आपको याद होगा जीसी के अंदर जीसी में फास्टेस्ट स्क्वाड वाइप का जो रिकॉर्ड है वो डायमोन के हिस्से में जाता है एंड दैट uh, like so, पर आप देख सकते हो प्लेयर्स दे वर मूविंग एंड दिस इज वेयर क्लस्टर वाज फॉर्मिंग दिस इज वेयर क्लस्टर वाज फॉर्मिंग राइट ये रश के अगेंस्ट जब आप मूव करते हो ना आप देख सकते हो राइट इस तरीके से रश के अगेंस्ट अब अगर आप यहां पर देखो एक फील्ड सेटअप हो रखा है गॉडलाइक को घुसना था राइट गॉडलाइक को घुसना था इस घर में बट डेमोन को भी घुसना था बट हुआ क्या इससे पहले कि गॉडलाइक के सारे प्लेयर्स घुसते डेमोन के प्लेयर्स अलग अलग एंगल्स पर आ चुके हैं फॉरेस्ट यहां पर ऐसे दीवार होती है फॉरेस्ट इस एंगल के अराउंड देख रहा है जूनी यहां से देखेगा या फिर यहां से भी देख सकता है कोई आए तो संग पीछे से देख सकता है इस समय तो ये जस्ट उतरे नहीं है कि माइंड में आया लेकिन यही पो, पोटेंशियल जगह वो छोटा सा एक रूम होता है उसके अंदर देख सकता है अंदर उस रूम में जा रहा तो यहां पर पहले बंद को पिक करना सबसे इंपॉर्टेंट है एंड क्लेश को पिक किया जाएगा बट लुक एट दिस पिक हुआ एंड केवरी वन दैट इज कमिंग इज जस्ट गोइंग डाउन राइट तीन चार सेकंड में पूरी फाइट खत्म हुई है एंड दिस जस्ट हैपन लुक सो रश करना एंड कायदे से रश करने में बहुत ज्यादा फर्क आता है कभी कभी उसी चीज में आ, टीम यहां पर फंसी थी एंड ये एक मिस्टेक है जो मैं बोलूंगा ये टीम काफी बार करती रही है कर, होता है इस टीम के साथ रश और कायदे से रश एंड नाउल लुक एट दिस ये स्टॉक अबाउट यस्टरडे सेल्सियस पर इन्होंने रश किया था अभी आप जगह सक, देख सकते हो इस एस पीओवी से आप जगह देख सकते हो ऑलरेडी लेफ्ट वाली टीम इनको नहीं मारेंगे ये हमें पता है और ये वाली टीम भी इधर ही देखेगी थोड़ा सा उधर देख सकती है ये सब चीजें क्योंकि जो, जो जोन है जोन इस हिसाब से बन रखा है कि यू नो टीम्स को आगे देखना है हालांकि इनके पीछे से एक टीम आएगी लेकिन उसको उसके साथ भी ये लोग अच्छी फाइट ले लेंगे अब अब हम लोग बात करते हैं तीन मिनट बाद की ये बीस मिनट के मार्कर पर है तेईस मिनट के अराउंड ये लोग रश करने वाले हैं अपने पीछे की टीम को देख लिया है सही कर दिया है जो दिक्कत है है नहीं है वो कर दिया है पे स्नैक्स फिनिश हो जाएंगे And को दो साइड से गोलियां पड़ रही थी जाने के दो तीन तरीके, uh, you know, uh, तो तरीके हो सकते थे पहला होता की आप यू नो अरा घर जाते और आगे यहाँ पर जगह पकड़ते क्योंकि आपके पास विजन था ऊपर से कोई और उधर है या नहीं दूसरा सीधा स्लैमिन करते हैं इन्होंने वो दूसरे वाला तरीका जो है वो आजमाया पे अपनाया लेकिन उसके अंदर भी एक और चीज आती है जो कि आप देख सकते हो एक प्लेयर को पीछे छोड़ा गया दैट दट इजी गॉड जी गॉड का काम है इस समय सपोर्ट बनकर कवर देना दो लोग आगे आ चुके हैं न्यू ऑर्किल आगे आ चुके हैं एक ग्रेनेड दो ग्रेनेड इनफैक्ट गए थे और उन दो में से एक ग्रेनेड ड्रीम्स का न्यू को लेकर के जा चुका है न्यू इज डाउन राइट एट दिस मोमेंट एंड देन नगेट ये अब इन लोगों ने यू नो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टीएन का भी प्लेयर होगा कोई तो नगेट ने पुष्पा को उड़ा दिया Now, बाकी काम जो है वो ग्रेनेड कर रहा है गिल डाउन हुआ बट अब अब आता है जीगौड अब आप देख सकते हो जीगौड़ का पोजिशन राइट जीगौड़ ऊपर है जीगौड़ पीछे है जीगौड़ को पता है पीछे से भी प्लेयर्स दिक्कत देंगे तो जीगौड को आगे आना है बट आगे अकेला जब प्लेयर ऐसे आता है डेफिनेटली बहुत वनरेबल होकर के आ रहा है सो ही विल नॉट सर्वाइव राइट रश में कम्युनिकेशन इज वॉज वॉज बैड हेयर द रशिंग कम्युनिकेशन वॉज नॉट दैट गुड एंड वो चीज इनको खा गई यही चीज यहां पर इन लोगों को स्ट्रेटअप खाई है एंड ये सिर्फ इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ यहां नहीं खाई है ये एक साल पहले भी खाई है ये एक टूर्नामेंट पहले भी खाई है ये कल भी खाई है सो द टीम इज वेरी गुड विद गन पावर अगर आप बोलो गन पावर एक नंबर होगा टीम का

रश आप किस तरीके से कर रहे हो एंड सर्वाइवल ये चार पिलर्स अगर आपने मान लिए लैंड अच्छे से कर लिया 25 गेम आपका है लूट अच्छे से कर लिया प्रॉपर लूट है आपके पास जो फाइनल सर्कल तक जा सकता है 50 है 50 गेम आपका रश ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये थर्ड रखा जाता है <laughs> क्योंकि आपको रश करना है लैंड किया लूट किया तीसरा इसलिए होता है क्योंकि आप मान सकते हो रश ऑलवेज एपन अराउंड फोर टू सिक्स सर्कल एंड फोर टू सिक्स सर्कल्स आर दो सर्कल्स जिसमें मेजर टीम्स एलिमिनेट होती हैं सो लैंड लूट रश इफ यू नॉट रशिंग एट द राइट टाइम इफ यू यू डोंट हैव द राइट एबिलिटीज टू रश विल बी टेकन डाउन एंड देन इज सर्वाइवल अगर आपने रश करके फाइट लेके जीत लिया रश में ही फाइट आती है यार कोई आप पे रश कर रहा है किसी पे आप रश कर रहे हो अपने किसी को कहीं रश करते हो हुए आप उस पर गोलियां चलाओगे वहीं पे फाइट आती है गन पावर है बट रश तो नहीं है सो so, वही चीज यहां पर इस टीम को खा रही है बाकी लेट्स सी क्या होता है कैसे होता है किस तरीके से टीम हमें खेलते हुए नजर आती है ओवरऑल बाकी जो भी होगा देखा जाएगा बट गाइज आप लोगों है क्या चीज के ऊपर मुझे जरूर बताना मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो तब तक के लिए सेफ रियली स्टेडिंग डे टेक केयर बाय